हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपका NLC इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो कहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी होंगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी वैकेंसियाँ हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं NLC इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियली वेबसाइट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है करंट ओपनिंग में ट्रेनिंग एंड ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पे आपको पोस्ट दिए गए हैं एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन का। तो आपको अगर इसके लिए अप्लाई करना है तो कहाँ पे जाके आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन क्या आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NLC इंडिया लिमिटेड इन नवरत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज कंपनी है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन दिया गया है और ट्रेनिंग प्लेस दिए गए हैं। यहाँ पे मंथली आपको कितने मिलेंगे, तो ट्रेनिंग में आपको कितने ईयर करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में बताया गया है डिसिप्लिन क्या क्या है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर का है, कम्युनिकेशन का है, सिविल इंजीनियर का है, मैकेनिकल इंजीनियर का है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर का है, केमिकल इंजीनियर का है, मीनिंग इंजीनियर का है। तो टोटल आपको कितने हैं, 250 हैं। और आपको मंथली कितना मिलेगा, 15,028 मिलेंगे आपको सैलरी। और यहाँ पर आपका टेक्नीशियन यहाँ पर डिप्लोमा का है आपको दिया गया है। इसमें भी आपका डिसिप्लिन यही है, इलेक्ट्रिकल का है, कम्युनिकेशन इंजीनियर का है, सिविल इंजीनियर का, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर, मीनिंग का है। तो टोटल इसमें है आपको 300। और यहाँ पे आपको मंथली कितना मिलेगा, यहाँ पे 12,524 आपको मिलेंगे। और यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग कितना है, 1 ईयर का ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है कैटेगरी फर्स्ट ग्रेजुएट में क्या आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे सेकंड में टेक्नीशियन में क्या आपका मांगा गया है क्वालिफिकेशन वो बताया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट में है आपका ग्रेजुएट, तो आपको डिग्री इन इंजीनियर और टेक्नोलॉजी, जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियर की या फिर टेक्नोलॉजी की किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से। तो आपको अगर आपके पास है ऐसा तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे टेक्नीशियन का भी दिया हुआ है, आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर टेक्नीशियन का किसी भी स्टेट से या फिर किसी भी बोर्ड से। और अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट दिया गया है, जैसे कि आप स्टेट वाइज दिया गया है आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पुदुचेरी एंड लक्षद्वीप वनली आर एलिजिबल। तो कैंडिडेट कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, ये स्टेट यहाँ पे और यूनियन टेरिटरीज दिए गए हैं, जैसे कि स्टेट में आंध्र प्रदेश या फिर केरला का होना चाहिए, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु का, और यूनियन टेरिटरीज में आपका पुदुचेरी का होना चाहिए या फिर लक्षद्वीप का होना चाहिए। आपका एग्जाम क्वालिफाइंग आपका होना चाहिए 2019 एंड 2020 या फिर 2021। तो अगर आपका ये 3 ईयर में आपका पास्ट किया है तो क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दिया गया है आपको एक्सपीरियंस 1 ईयर या मोर एनी जॉब, आपके पास किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे नहीं बताई गई है, ये एप्लीकेशन रूप में आपको दिया गया है ये कितने ईयर पासिंग होना चाहिए वही पे यहाँ पर आपको करना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन, कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो बताया गया है, एप्लीकेशन प्रोसीडर कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया गया है। यहाँ पे नोटिस भी आपको पढ़ सकते हैं, क्या नोटिस है वो भी देख सकते हैं आप। अब आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल कर लेना है। अगर आप CGPA में 10 का मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर फिल कर लेना है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पर कितने मिले थे मार्क्स वो फिल कर लेने हैं आपको, अपना नाम सब फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो एक और लिंक थी कि वहाँ पे जाके अप्लाई, यहाँ पे आपका अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है किसके लिए आप करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है आपको, इनरोलमेंट नंबर आपको देना है, और यहाँ पे आपको आधार नंबर, फादर नंबर, मदर नंबर, जेंडर कौन सा है, कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे, जैसे हाउस,
डिस्ट्रिक्ट नेम, एरिया नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब कुछ फिल करके सबमिट कर लेना है आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।